वेस्ट गेट के सामने मुझे एक 120 साल पुरानी एक हलवा की शॉप दिखी। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ मदुरई की फेमस एक जिगर ठंडा की शॉप में। हे गाइस, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ तमिलनाडु की रिलीजियस कल्चरल और हिस्टोरिकल सिटी मदुरई में। ये हमारी तमिलनाडु सीरीज़ का इस समय थर्ड सिटी चल रहा है और आज मॉर्निंग में हम लोग ड्राइव करके धनुषकोडी से डायरेक्ट मदुरई पहुँचे और इस समय हम लोग जा रहे हैं मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के दर्शन करने के लिए। तो अंदर तो कैमराज वगैरह अलाउड नहीं है, पर मैं दर्शन करके जल्दी ही आपको बाहर मिलता हूँ। दोस्तों मैं अंदर से दर्शन करके आ चुका हूँ। दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर। आप जैसे ही जाते हैं, मैं वेस्ट गेट या पश्चिमी द्वार से दर्शन करने के लिए गया था। अंदर घुसते ही आप लोगों को सारी मोबाइल चप्पलें वगैरह जमा करनी पड़ती हैं। अंदर मैं जैसे गया तो मैंने 100 रुपये का सीक्रेट दर्शन का टिकट लिया था, क्योंकि वीडियो क्रिएटर्स के साथ प्रॉब्लम है कि समय की कमी रहती है। तो अंदर गया पर सामान्य जो फ्री दर्शन होता है, कुछ समय के बाद वो लाइनें मर्ज होने लग जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा समय तो उसमें नहीं सेव कर सकते हैं। दूसरी एंट्री करने के बाद फिर मुझे वहाँ पर मीनाक्षी जी का पहले टेंपल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती मीनाक्षी माता के रूप में और शिव जी सुंदरेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आज का दिन अच्छा था, क्योंकि आज एक यात्रा निकाली जा रही थी मीनाक्षी सुंदरेश जी की दूसरी मूर्ति की, क्योंकि मेन मूर्तियाँ तो अपनी जगह से हिल नहीं सकती हैं, पर एक दूसरी मूर्तियाँ होती हैं जिनको यात्रा कराई जाती है ताकि सब लोग दर्शन कर सकें। तो उसके आगे आगे एक बुल चल रहा था और पीछे एक बड़ा सा हाथी था, तो वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे वाद्य यंत्र थे अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट जो शायद गुरुकुल के थे वो बहुत सारे भजन गा रहे थे। पर उससे सबसे बेस्ट चीज़ थी अंदर 1000 पिलर्स का एक मंडपम का म्यूज़ियम है, उसके अंदर आप लोग जाना ना बोलिए। अंदर जाकर के आपको सिमिलर पिलर्स मिलेंगे, बहुत सारे उसमें स्कल्पचर्स हैं जो शिल्प कला की मूर्तियां हैं, बहुत बहुत पुरानी हैं। वहां पर ये कैसे बनाया गया था, पेंटिंग्स हैं शिव पार्वती जी के विवाह की, अंदर एक नटराज जी की मूर्ति है, और उसके अलावा तो मैं मतलब भूल भी रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा ओल्ड। तो इतना सारा मुझे वहाँ पर जाकर के अंदर देखने को मिला। अगर हम लोग इस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में बात करें, वैसे हिस्ट्री से बड़ी तो श्रद्धा थी, क्योंकि मंदिर तो बाद में बनता है, पहले भगवान में श्रद्धा आती है। तो ऐसा जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले पांडियन डायनेस्टी के दौरान 2000 ईयर्स पहले ये टेंपल बनना स्टार्ट हुआ था, बट सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस टेंपल का हुआ था जो थिरुमली नायक हैं, जो इन्होंने 17th सेंचुरी में इस टेंपल को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। करेंटली 4 मेन गोपुरम इसमें बाहर हैं, बट अंदर कम से कम छोटे बड़े मिलाकर 5 से 7 गोपुरम और हैं यहाँ पर। मंदिर के चारों ओर पेरीमीटर्स में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़, होटल्स, रूम, लॉज और रेस्टोरेंट्स और हैंडलूम्स वगैरह की शॉप्स हैं जिनमें आप साड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। और मंदिर दर्शन करने के बाद बेसिकली आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु कुछ मेरे एरिया से यहाँ पर मिल गए हैं, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। आप सब लोग कहाँ से आए? आप एमपी से आए दर्शन करने? कब आए थे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर आए हैं 26 को। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले रामेश्वरम गए और फिर वहाँ से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। चलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप लोगों का धन्यवाद। वेस्ट गेट के सामने मुझे एक 120 साल पुरानी एक हलवा की शॉप दिखी, उससे मैंने ये हलवा ले लिया है। चलिए इसको मैं खाता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं कि पूछिए मत।
तो चलिए अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं मेन सिटी के विजिट के लिए। फिर तो मैं पहुंच चुका हूं थिरुमलाई नायक पैलेस में, मीनाक्षी टेंपल में। मीनाक्षी टेंपल से मैं यहां निकल पड़ा था और मैंने एक ऑटो हायर कर ली थी। कार से तो हम लोग पहुंच गए थे, बट कार से थोड़ा घूमने में प्रॉब्लम थी बिकॉज मदुरई में थोड़ा स्ट्रीट्स वगैरह काफ़ी कंजेस्टेड थी। तो हम लोगों ने एक ऑटो हायर कर लिया जो 400-500 रुपीज़ में हमें 3-4 प्लेसेस दिखाएगा। तो अब थिरुमलाई पैलेस उसका पहला स्टॉप है। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। थिरुमलाई नायक पैलेस, जिसे लोकल महाराजा पैलेस भी कहते हैं, ये बनाया गया था 17th सेंचुरी में और इस पैलेस को बनवाया था नायक डायनेस्टी के किंग थिरुमलाई नायक ने 1636 में। इस पैलेस को बनाने वाला था एक इटालियन आर्किटेक्ट जिसने इसे द्रविडियन प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनवाया था। ये जो पैलेस है ये 55,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसके पीछे एक थोड़ी सी सैड स्टोरी भी छुपी हुई है। इस पैलेस की दुख भरी कहानी स्टार्ट हुई जब थिरुमलाई नायक के ग्रैंडसन चोक्कनाथ नायक जो थे, उन्होंने बाद में अपना एक खुद का महल बनाना चाहा त्रिची में। तो उसकी वजह से उन्होंने इस जो पैलेस है जो समय इससे 4 गुना ग्रांड हुआ करता था, इसके सारे ज्यूज, सारे ऑर्नामेंट और बहुत सारे स्ट्रक्चर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर उसको लेकर के वो त्रिची ट्रांसफ़र कर रहे थे। और इनके ग्रांड सन चाहते थे यहाँ से भी ज़्यादा जो भव्य या रॉयल पैलेस बनकर तैयार हो त्रिची में। बट हुआ क्या कि ये जो पैलेस है ये तो काफ़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो गया और त्रिची में उनके जो ग्रांड सन थे वो अपना पैलेस कभी नहीं बना पाए। ये पैलेस का बाहर का हिस्सा है, इधर से टिकट खिड़की है, 10-10 रुपए के टिकट है पर पर्सन। और ये बाकी कोर्टयार्ड रहा इसका। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है महात्मा गांधी मेमोरियल। इधर रहा अपना ऑटो, इसी ऑटो से हम लोग सिटी घूम रहे हैं। और ये देखिए नॉर्मल लाइफ कैसी है यहाँ पर। तो मैं गांधी मेमोरियल पहुँच चुका हूँ। करेंटली यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। तो मेरे पीछे जो ये मेन व्हाइट बिल्डिंग है इसे में म्यूजियम रहता है, बट करेंटली इन्होंने एक विनोवा भावे करके ये जो एक छोटा सा हॉल है इसमें सारी चीज़ें मूव कर दी हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं और अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और दिखती है मैं आपको जल्दी बताता हूँ। तो अंदर से मैं बाहर आ गया हूँ म्यूज़ियम को देख करके। ये जो पीछे बिल्डिंग है हेक्सागन के शेप में बनी हुई है और यहाँ पर इस सीरीज़ में जो इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में कैसा आया, फिर उसके बाद बहुत सारी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई स्टार्टिंग फ्रॉम महाराजा मैसूर से, वहाँ पे मैसूर में कैसी हुई, तमिलनाडु में कैसा रेजिस्टेंस हुआ, फिर 1857 में कैसे वो हुआ, लखनऊ वगैरह में भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा मंगल पांडे से लेकर के, फिर महात्मा गांधी की एरा 1915 में जो स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेकर लास्ट तक की सारी स्टोरीज़ पिक्चर से थ्रू अंदर दर्शाई गई हैं। बाद में मुझे ये लीफलेट भी मिला है पढ़ने के लिए जिसे मैं बाद में देखूंगा, बट इट वाज रियली अ नॉलेजेबल सेशन।
एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे जानने को मिली कि महात्मा गांधी 1921 से 1946 के बीच में 4 से 5 बारी मदुरई आए थे। सबसे लास्ट में 46 के दौरान वो आए थे मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करने के लिए। शायद उस दौरान से पहले हरिजन उस मंदिर में अलाउड नहीं थे, पर बाद में उनको भी जाना अलाउ कर दिया गया था। और इससे पहले जो उनकी विजिट थी वो प्योरली इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थी, कभी खादी को प्रमोट करने के लिए, कभी अपने सत्याग्रह में वॉलेंटियर्स के लिए थी। तो महात्मा गांधी जी का मदुरई और तमिलनाडु से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं इस समय आ चुका हूँ मदुरई के मरियम्मा टेम्पल में, और मरियम्मा टेम्पल माँ पार्वती का ही रूप है जिनका टेम्पल है यहाँ पर। और बेसिकली इस टेम्पल के जस्ट सब अपोजिट में एक बड़ा सा वाटर टैंक भी है। तो ये जो वाटर टैंक है इसी टेम्पल से जुड़ा हुआ है, और इसे टुगेदर मरियम्मा टिप्पाकुलम कहते हैं। टिप्पाकुलम का टिपकल जो मीनिंग होता है टेम्पल टैंक ही होता है। जो मैंने इसकी हिस्ट्री देखी टेम्पल की और सामने जो टैंक की, जो थिरुमलाई नायक जो थे जिन्होंने अपना जो पहले 1636 में बनाया था जहां हम लोग अभी गए थे, उसको बनाने के लिए जो ब्रिक्स जो ईंटें यूज़ हुई थी उनको जो मिट्टी चाहिए थी वो मिट्टी खोदी गई थी सामने वाले टैंक से। बाद में वो इतना गहरा गड्ढा हो गया कि गड्ढा क्या वो पूरा पौंड ही बन गया, इसमें आज तक पानी भरा हुआ है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड ये सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। और लोगों से बात कर रहा था, बहुत ही यहाँ पर लोगों की आस्था है मरियम्मा माता में, माँ पार्वती का ही रूप है। तो चलिए अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं रोड के अपोजिट साइड लेके चलता हूँ जहाँ पर वो वाटर टैंक बना हुआ है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ मदुरई की फेमस एक जिगर ठंडा की शॉप में। जिगर ठंडा बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। वैसे मैंने एक चीटिंग की है यहाँ लाने से पहले, एक बार मैंने पहले खा लिया था तो इसमें बेसिकली मुझे फालूदा जैसा लगा, बट इसमें आइसक्रीम मिलाते हैं और इसमें रबड़ी वगैरह भी रहती है। तो चलिए खाते टेस्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये आ गया है अपना जिगर ठंडा, देखने में बहुत यमी और टेस्टी लग रहा है। इतनी सारी मलाई और आइसक्रीम और रबड़ी मिली हुई है, खास आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर खा सकते हैं, पर नहीं खा सकते तो मैं क्या करूँ, मैं ही खा लेता हूँ। ये अन्ना कुछ तो बेच रहे हैं, ये किसका है? ये कोकोनट ट्री का है। कोकोनट ट्री का स्टेम जैसा लग रहा है इसको, चलो टेस्ट करके देखते हैं। 10 रुपीज़ का मिल रहा है यहाँ पर ये, चलिए इसको खा के देखते। खाने में कोकोनट जैसा ही लग रहा है, अच्छा है।
दोस्तों मैंने यहीं पर होटल श्री सबरीस में अपना डिनर कर लिया है। अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पॉसिबल नहीं था यहाँ पर ब्लॉगिंग कर पाना, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। तो ये मीनाक्षी टेम्पल से 400 मीटर्स की वॉकेबल डिस्टेंस पे बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, खाना काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोग यहीं पर रुके हुए हैं तो यहाँ पर आकर खा सकते हैं या पार्सल करा सकते हैं। बाकी आज के ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।